नमस्कार। आई थॉट आई विल डू अ वीडियो सो दैट आपके सारे वेट लॉस के बेसिक्स दोबारा से रिवाइज हो जाए। एंड द रीज़न व्हाई आई थॉट ऑफ डूइंग दैट इज़ बिकॉज पोस्ट दिवाली हम सब लोगों को वापस से एक बार वेट लॉस का भूत अपने सर पर सवार हो जाता है और अपने को ये लगता है कि बहुत मज़े कर लिए लेकिन अभी तो कुछ भी करके वजन कम करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ भी करके अपने को वजन कम करना है तो कुछ भी मत कीजिए। जो दिवाली के पहले तक आप कर रहे थे उसी डाइट पर वापस आ जाइए, गो बैक टू योर नॉर्मल। क्योंकि क्या है कि दिवाली ऑलरेडी इज़ अ होल लॉट ऑफ वेरिएशन। उस वेरिएशन पर अगर आप और एक नया वेरिएशन लेके आओगे जिससे कि बहुत कम खाना या सिर्फ सूप और सैलड खाना या सिर्फ प्रोटीन खाना या 14-16 घंटे तक कुछ नहीं खाना, वेरिएशन के ऊपर अगर वेरिएशन आएगा तो यू विल नॉट बी हेल्दी एंड यू विल नॉट लूज वेट इन द लॉन्ग रन। तो बेसिकली वन मोर टाइम बैक टू बेसिक्स जाइए, मेक श्योर दैट यू आर लूजिंग वेट द राइट वे। अभी लूजिंग वेट द राइट वे का मतलब क्या होता है? लूजिंग वेट द राइट वे का मतलब ये होता है दैट अडॉप्ट मेथड्स, ओके, अडॉप्ट अ डाइट, अडॉप्ट एक्सरसाइज, अडॉप्ट लाइफस्टाइल चेंजेस दैट लीड टू इम्प्रूवमेंट ऑफ योर स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। आपने देखा होगा कि कई सारी बार व्हेन वी हैव इश्यूज लाइक बैक पेन, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, फर्टिलिटी, पीरियड्स का प्रॉब्लम, कोई भी अपने को प्रॉब्लम हो, अगर वो प्रॉब्लम लेके हम किसी डॉक्टर के पास जाए तो हमको ये कहा जाता है कि वज़न घटाओ और आपका ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज़ का, बैक पेन का, ब्ला ब्ला ब्ला, हर एक का प्रॉब्लम, हर एक ये प्रॉब्लम आपका कम हो जाएगा। बट रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है that when you do make changes to your diet, exercise and lifestyle, आपके बॉडी वेट में जो मसल का वेट रहता है, बोन का वेट रहता है, वो बढ़ सकता है। और जब वो बढ़ता है तब आपका वेट इमीडिएटली नीचे नहीं आता है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नीचे आता है। लेकिन ये सारी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस से दूर रहने के लिए, मतलब डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, लिवर, फैटी लिवर, ऑल ऑफ दोज थिंग्स से दूर रहने के लिए कॉन्स्टेंटली यू हैव टू स्ट्राइव टूवर्ड्स इम्प्रूविंग योर स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। नाउ हाउ डू यू गो अबाउट स्ट्रेंथ टू इम्प्रूविंग योर स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो एंड हाउ डू यू नो दैट यू हैव कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन योर स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो? स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो मतलब ज़्यादा करके आपका वजन शुड कम फ्रॉम द लीन बॉडी वेट, मतलब के बोन वेट and muscle weight. This should contribute largely towards your body weight. Now when this contributes largely towards your body weight, a few things begin to happen. What are those few things that begin to happen? Okay, the few things that begin to happen is that aapka jo sugar craving hai wo chala jata hai, ओके okay? आपको अगर इरेग्युलर पीरियड्स है या पीर तो वो ख़त्म हो जाते हैं और आपको रेगुलर पीरियड्स आने लगते हैं। आपकी स्लीप क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, आपके एनर्जी लेवल्स इम्प्रूव हो जाते हैं, आपके बाल और स्किन इम्प्रूव हो जाता है, आपके मूड्स इम्प्रूव हो जाते हैं, आपका एक्सरसाइज परफॉर्मेंस और आपका एक्सरसाइज कंप्लायंस भी इम्प्रूव हो जाता है। तो ओवरऑल और मोर इम्पॉर्टेंटली ABC, एसिडिटी, ब्लोटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन, ये ख़त्म हो जाता है। तो जब आपका स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो बढ़ता है तो दीज आर द थिंग्स दैट चेंज एंड देयरफॉर योर डेली लाइफ बिकम्स अ हैप्पियर एंड अ हेल्दियर लाइफ। जब आप कोई भी रैंडम डाइट करते हो, ओके, जिसमें से लेट्स से यू आर डूइंग
इंटरमीटेंट फास्टिंग और यू आर डूइंग कीटो और यू आर डूइंग वीगन और वॉट एवर एल्स, जब भी आप ऐसा कुछ करते हो जहाँ अभी मैंने कार्ब छोड़ दिया, अभी मैं सिर्फ फैट ही खाऊंगा, अभी मैं सिर्फ प्रोटीन ही खाऊंगी, अभी मैं बस 14 घंटे कुछ नहीं खाऊंगी, अभी मैं 20 घंटे तक कुछ नहीं खाऊंगी, अभी मैं ये पूरा हफ्ता डिटॉक्स करूंगी, अभी मैं सिर्फ स्मूदी सैलड्स एंड सूप्स पर ही जीऊंगी, व्हेन यू डू एनी ऑफ दोज थिंग्स आपका वेट जरूर कम हो जाता है, छोटे समय के लिए क्यों ना हो, पर आपका वेट जरूर कम हो जाता है, पर उसके साथ आपका स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो भी घटता है। जब आपका स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो घटता है तो इन द लॉन्ग रन आपका वेट दोबारा से चढ़ता है, और उसके वजह से मतलब इन द लॉन्ग रन आपका वेट बढ़ेगा, और इन द लॉन्ग रन आपका वेट बढ़ने के वजह से जो आपके बॉडी में ताकत है वो और घटेगी, और उसके वजह से आपका ओवरऑल स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो और घटेगा। जब स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो और घटता है तो एसिडिटी होता है, ब्लोटिंग होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। तो अगर आपका डाइट आपका वजन तो कम कर रहा है लेकिन एसिडिटी हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ब्लोटिंग हो रहा है, तो वो डाइट आपका स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो ख़त्म कर रहा है। अगर आपके डाइट पे आपकी नींद उड़ गई है, अगर आपके डाइट पे आपकी ज़िंदगी हराम हो गई है, अगर आपके डाइट पे आपको चॉकलेट कुकी और चिप्स के सिवा या कॉफ़ी के सिवा और कुछ सूझता ही नहीं है, अगर आपके डाइट पे आपको खाना ही अलाउड नहीं है, तो फिर आपका स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो पुअर हो रहा है, और फिर आपका वज़न कितना भी कम क्यों ना हो, आपको डायबिटीज़ का, हार्ट डिसीज़ का, हर एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का और उसी तरीके से हर एक इन्फेक्शियस डिसीज़ का रिस्क आपका बढ़ता जाता है। तो वज़न कांटे से नीचे उतरिए, अपने पैरों पर खड़े रहिए और देखिए कि आपको कितना लाइट और ताकतवर लग रहा है। तो दो सिंपल टेस्ट मैं आपको बताती हूँ जो कि आपको करने चाहिए। हाँ, ऑल्सो अगर डाइट पर आके आपका वज़न तो घट गया लेकिन अभी पीरियड्स आते नहीं हैं, पहले महीने में एक बार आते थे, 3-4 दिन लगातार रेगुलेटेड ब्लीडिंग होता था या 5 दिन, बट अभी एकदम से एक ही दिन का ब्लीडिंग हो गया, या 3-3, 4-4 महीना पीरियड्स ही नहीं आ रहे, तो ये स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो आपका ख़त्म कर रहा है, यह आपको बीमारी और बुढ़ापा जल्दी से लेके आ रहा है। सो यू शुडेंट कीप योर सेल्फ ऑन दिस डाइट इवन इफ इट इज़ लीडिंग टू वेट लॉस। अगर आपके सामने से बीच में से बाल झड़ रहे हैं, अगर काले बाल सफ़ेद हो रहे हैं, अगर स्मूथ स्किन पर ब्रेकआउट आ रहा है लेकिन वजन तो कम हो रहा है, तो उसका मतलब ये है कि वही सेम ओल्ड मीनिंग, बीमारी और बुढ़ापा जोर से आपके तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। पुअर स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो इज ऑलवेज बैड फॉर हेल्थ, इट इज़ एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल फॉर द वेट लॉस बिजनेस टू, बिकॉज इट जस्ट कीप्स यू इन द लूप ऑफ वन वेट लॉस प्रोग्राम टू अनदर। सो स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो मेजर करने के लिए वन सिंपल टेस्ट, अपने राइट पैर को आपके लेफ्ट फुट पर रखिए और देखिए कि क्या आप आराम से 10 तक गिन के इस पर खड़े हो सकते हो। If you are able to stand like this, lift your leg up and then again count from 1 to 10 and see if you are able to stand properly. Repeat on the left side, count from 1 to 10, count again from 1 to 10. Sit down and get up ka test kijiye. So sit down and then without needing anything, you should be able to get up. Then change the cross of your legs and sit down and then again without needing anything, you should be able to get up. If you are able to perform these simple tasks all by yourself and enjoy good skin, hair, periods, sleep, digestion, happy moods, regular exercise, then you really have nothing to worry about. Don't fall for any weight loss fad. So that really is all that I want to tell you today. Tomorrow I'm going to tell you how will you identify that what you are on is a fad. So I'll see you tomorrow. In the meantime, this is a lot of food for thought. Think about this and catch yourself before you do something drastic to your body. Thank you very much for watching. Bye.